तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं किरण चंद्र राजपूत और स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो और शानदार ब्लॉग के साथ और सुंदर सुंदर लामा खेत की सुंदर सुंदर वादियों से आपका स्वागत करता हूं। तो गाइज, लामा खेत जैसे कि पड़ता है पिथौरागढ़ ज़िले में, पिथौरागढ़ ज़िले से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गाँव बसा हुआ है। और तो अभी मैं हूँ घर पे और इस टाइम मैं जा रहा हूँ नीरज दा लोगों के घर के पास, क्योंकि आज ताई जी हमारे दीदी के घर गई थी बारात पे, तो वहाँ से आ चुकी है इस टाइम। तो एक बार मिलते हैं ताई जी से तो, और फिर करते हैं वहाँ जाके ताई जी से कुछ बातें। तो बने रहें गाइज। गाइज इस टाइम सनसेट होने ही वाला है और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज। जैसा कि शाम के 4 बज चुके हैं तो दिखाते हैं एक बार शाम का नज़ारा, सनसेट होने ही वाला है तो बने रहें गाइस इसी तरह। तो दिखाते हैं एक बार आपको चारों तरफ का नज़ारा और मौसम, जैसा कि आज दिन भर बिल्कुल साफ मौसम और सुंदर सी धूप खिली हुई थी, तो अभी भी धूप बढ़िया सी लगी हुई है और धूप गाइस जाने वाली है। तो दिखाते हैं एक बार आपको नज़ारा शानदार सा। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं थोड़ा सा धूप बच गई है और ये अभी पहाड़ी के पल्ली तरफ जाते ही बस यहाँ शाम की तैयारी जैसा, इधर को ऊपर साइड को देख रहे हैं आप, बिल्कुल बंद हो चुका है, पूरी छाया आ चुकी है और अभी हमारे यहाँ लगभग लगभग धूप बची हुई है। देख सकते हैं जैसा कि आज मौसम बिल्कुल साफ और स्वच्छ मौसम, तो गाइज मैं निकल चुका हूँ, बिल्कुल जस्ट मैं पहुँचने ही वाला हूँ और आज ताई जी से करते हैं कुछ थोड़ी बहुत सी बातें। तो बने रहें आप और ताई जी, वही हमारी बिल्कुल कॉमेडी वाली ताई जी। तो गाइज ब्लॉग देखना ना भूलें। गाइज मैं पहुँच चुका हूँ जैसे ही नीरता लोगों के घर पे, तो एक छोटा सा ये डॉगी पाल रखा है और बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल उछल कूद कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे आयुषचंद और मट्टू दोनों क्रिकेट भी खेल रहे थे दोनों भाई, अभी इनका डिस्टर्ब हो गया है। तो गाइज मैं बिल्कुल पहुंच चुका हूं नीरजदा के घर पे और जैसा मैं दिखाता हूं आपको, अब फुलजा से मिलाता हूं, बहुत दिन हो गए तो एक बार बात कराता हूं मैं। देख सकते हैं आप मट्टू और ये हमारे भाभी और यहाँ पे ठुलजिया। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं ठुलजिया आ चुकी है, हमारी पार्टी गई हुई थी तो दीदी की लड़की की शादी में, और शादी आधी निपटा के ठुलजिया आज आ रही है और ठुलजिया से बात करते हैं और ठुलजिया से पूछते हैं आज की बराती कैसे आई थी, डांस कैसा हुआ वहाँ, महिला संगीत कैसा हुआ और टू गरा था, क्योंकि पेपर बाजा है, ढोल सब कुछ आया, बजाया नाच खेल गया सबने, और मेहंदी मेहंदी एक दिन भी बजाया, ढोल नाच खेल और बजाती के दिन लगे खूब धूमधाम है, छलिया बाजा गाजा सब, डीजे लगाया, हाँ डीजे में भी खूब नाच खेल, बरियात में भी खूब नाच, सड़क पे कत निकल आया, हाँ हाँ मार मार हुए, सड़क पे सब बहुत सड़क पे है, बहुत सड़क पे है, दगड़ ले ली ना भे बोतल बोतल दगड़ा लिया का भे उधर फोड़े उठी ली दना दन भे, अरे दना दन ने हो गए दना दन बोतल उनकी दना दन लठी मार भैया ना ना खाने भे उठी ने खिती रहना कोई कशा उठी ने कोई कशा हार हार ना भे लठी हां। ओ पपीता का तू खाई भी वहाँ खूब पपीता हो रहे थे कोई दाना ना दे रे ओहो सगी गई दाना में ना भी का दुखू का के दुखू ना भी दाना है ना दादा का के दुखू नहीं ना भी और की का नान घोगा रोटा खाई भी वहाँ ना खाए घोगा भी वहाँ भी कर ना बन दियो मुझ खाई नहीं ना दियो भूखा रही तू घोगा जैसा हमारा पार्टी में वहाँ मक्के अक्के बहुत होते हैं, तो मैंने ताई जी से पूछा था, वो कह रहे हैं मक्के की रोटी नहीं खाई क्योंकि इनको सांस की प्रॉब्लम है, बीमार हो जाते हैं, सांस सांस फूल जाती है, तो वहाँ से फिर बाजार आने में बड़ी दिक्कत है, तो इसलिए ताई जी ने वहाँ मक्के की रोटी नहीं खाई। और आपके यहाँ अगर मक्का होता हो तो थोड़ा भेज देना हमारे यहाँ, क्योंकि हम बना के ताई जी को खिलाएंगे, तो ऐसे ही आपको रोज रोज मिलाने के लिए सही हुई रहेगा। और नीरजदा के शंकड़े में भी देख सकते हो आप,
यहाँ पे धनिया हो रही है और लहसुन भी, और यहाँ पे राई तो फूल चुकी है इनकी, और ये है चूक का पौधा, और सामने यहाँ पे ये माल्टे का वो इस आमदनी आने वाला है शायद, ये बुढ़ा गया तो बहुत नहीं लगता शायद, अब आता है नहीं आता है पता नहीं। बढ़िया सर रास्ता बना हुआ है ऊपर से, और फर्स्ट में आपके स्वागत के लिए, सबके स्वागत के लिए बिल्कुल फूल खिले हुए हैं, और सुंदर सा नज़ारा आ रहा है। देखो अभी सनसेट भी हो चुका है गाइज, तो गाइज देखो ठुलजा अभी और बता रही है कि वहाँ के ककरिया बहुत नाची करके खूब डांस करा, चल बता ले गगरिया ले चल बटी ले सब रात भर बार एक दो बजे तक खूब नाच करे। और तुझे वहाँ का मौसम मौसम कैसा है उधर? बसा मौसम, पानी बादल ना कुछ नहीं हो, और बादल पानी से ताई जी बता रही है जैसा कि वहाँ बढ़िया मौसम है, और गर्म का तो घर है वहाँ, गर्म हो रहा है यह है नहीं कुछ ही तालो घाम लग जाने। वहाँ शरबिया के पूठ में छतरी से भी मार दिया वहाँ, तो ठुलजा अपनी ठुलजा ठहरी। यहाँ पे पधार चुके हैं नीरज चंद जी, और बिल्कुल जैसा कि देख सकते हैं चार चार आंखों के साथ, तो गाइस देखें ठुलजा और कुछ और बता रही है वहाँ के बारे में। बोला तो उनको डंडी से छतरी से बूट में लाती से मारा उन साले, सबने खूब डांस करा साले ने, बस उसको मारा मैंने खूब डंडी से भी छतरी से भी खुट्टे से लाती से सबको मारा, भुटकी से मारा उनको, रात भर डांस करा साला, मतर के शराब खा के सब बोली ना वो मेरी मतर की ने सब सब गगरिया गगर चल बटी सो सब डांस में सब दगर दगर और डांस ले निको करो मेरे निको कर मत छुआने का निको करने अच्छा लगा गन्ने भर कर दिया बूती में बोल यार नहीं कर बोल यार ले गन्ने में बड़े बड़े इन मेरे बोल यार चल बटा उसे दो दो वहां गगरिया शराब तो ना खाना खाना नहीं ना 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 खा रहे थे ना खाना चल बटी तो गाइस जैसा कि पार्टी बगड़ बहुत दूर ठहरा हमारे यहाँ से, तो वहाँ ताई जी बता रही है कि वहीं के लोकल और जो भी निमंत्रण में आए थे तो कुछ कुछ हर जगह ही होते हैं, तो कुछ कुछ लोग पी के टाइट बिल्कुल फिट फिट वाला हिसाब हो रहा था बोला। साथ ही ऊपर का नज़ारा बिल्कुल नैनीपातल तरफ का नैनीपातल। हेलो, तो गाइज मैं निकल चुका हूँ निरद्दा लोगों के घर से अपने घर की तरफ, तो आई होप कि ब्लॉग पसंद आएगा, और ब्लॉग पसंद आए तो चैनल पर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग आपको, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग।